तुसी एक अजिही लड़की की कहानी तो सुनी होगी जो डकैत तो नेता पाती है। उसका नाम है फूलन देवी। फूलन देवी ने अपने नाल होए अपमान का बदला लैन लई 22 लोगों की हत्या कर दी सी। इस हत्याकांड ने भारत की राजनीति नूं हिला के रख दिता सी। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर के कोल बहमई पिंड विच वापरी सी एक घटना। इस घटना का रंग खूनी क्यों हो गया ते एक आम लड़की आपदे अपमान का बदला लैन दे लई खतरनाक फैसला क्यों लै बैठी ते फिर किवें देश ते दुनिया के सामने उसकी कहानी आई। जी हाँ, फूलन देवी उही नाम है जिसने अपने उत्ते हुए जुलम का बदला लिया। उस तो बाद ही लोगों ने उस बारे जानिया। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 नूं होया। उस समय के लोग अपनी रूढ़ीवादी सोच करके अपनी कुड़ी का विआह घट उम्र दे विच कर देंदे सी। फूलन देवी का विआह भी 11 साल की उम्र दे विच होया, लेकिन फूलन देवी की किस्मत दे विच कुछ होर ही लिखिया सी। शादी तो बाद फूलन देवी के सहुरा परिवार ने उसनू छड्ड दिता ते उह अपने पेके पिंड आई, पर उस दीआं मुश्किलां घट हुंदियां नहीं दिसियां। उसने अपने परिवार के नाल ही मजदूरी करनी शुरू कर दिती ते इत्थे ही उसकी बगावत भी शुरू हुंदी है। 15 साल की उम्र के उसके पिंड के ही कुछ व्यक्तियों ने उसके घर वालों के सामने उसके नाल गैंगरेप किया। उस तो बाद उसका अपहरण भी हुंदा ते कई बार रेप किया जाता है, तो इत्थे ही शुरू हुंदी है फूलन देवी के डाकू बनन की कहानी ते अपमान का बदला लैन की वारी। अपने अपमान का बदला लैन लई फूलन देवी 14 फरवरी 1981 की शाम को पिंड वापस आती है। जदों पिंड आई तो एक विआह का समागम चल रहा सी। फूलन देवी ते उसके गिरोह के मैंबर ने पूरे पंडाल नूं घेर लिया ते उचकराने के लोगों नूं अलग किया। बंदूक की नोक ते नदी तक लजाया गया ते गोलियां की बौछार उन्हां ते कीती, जिस दे विच 22 लोगों की मौत हो गई। जदों इह घटना देश विच फैली तो देश विच हंगामा मच गया ते सरकार ने फूलन देवी नूं फड़न दे लई पुलिस अभियान शुरू किया, लेकिन यूपी पुलिस की पकड़ विच फूलन देवी कदे ना आई। कहा जाता है कि फूलन देवी काफ़ी प्रसिद्ध हो गई ते मध्यम वर्ग के लोग उसके नाल जुड़ गए ते उसनू बैंडिट क्वीन कहा जान लगा। ते ए भी कहा जाता है कि उसका निशाना बड़ा पक्का सी ते उसों भी कठोर सी उसका दिल। पुलिस के नाल कई साल तक उसकी लुका छिपी चलती रही ते आखिर उसने आत्म समर्पण का मन बनाया। इसलिए उसने मध्य प्रदेश सरकार के सामने उस वक्त के CM अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह के हथियारों के नाल आत्म समर्पण कर दिता। लेकिन फूलन देवी का नाम आम लोगों के दिलों में इन्ना वसिया सी कि लखां लोगों की भीड़ उत्थे उसनू देखने लई जमा सी। आत्म समर्पण तो बाद 1994 फूलन देवी नू जेल तो रिहा कर दिता गया ते उसनू बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रख्या गया। रिहा होने तो बाद समाजवादी पार्टी के आगू मुलायम सिंह यादव ने लोग सभा का टिकट दिता, जिस तो बाद कई राजनीतिक पार्टियां ने आलोचना भी की, पर मुलायम सिंह यादव अपने फैसले तो टस तो मस नहीं हुए ते इसका नतीजा सी कि मिर्जापुर लोग सभा सीट तो फूलन देवी पहली बार 1996 संसद चुनी गई ते लगातार 2 बार लोग सभा लई चुनी गई, लेकिन 2001 दिल्ली विखे केवल 38 साल की उम्र विच उसके घर के सामने ही गोली मार के किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो उसकी मौत नूं कई लोग राजनीतिक साजिश भी मानते हैं ते कई बार उसकी हत्या का शक उसके पति ते भी सी, लेकिन यह शक साबित नहीं होया। 1994 विच उसके जीवन ते शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनाई जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उसने समाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया ते ए उसके जीवन की कहानी सी जो कि बुराई के खिलाफ एक जित है। इस तरह दीआं होर अपडेट्स तुहानू दिंदे रहांगे। तुसी जुड़े रहो वॉइस ऑफ पंजाब TV दे नाल।